आज डेली यूजेस के ऐसे सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे जो रिफ्यूज अस्वीकृति या मना करने से रिलेटेड है। हम डेली लाइफ में कुछ ऐसे चीजें या घटना घटती हैं जब हमें मना करना होता है किसी भी काम के लिए, यहीं कहीं जाने के लिए, तो ऐसे जिसको हम किस तरीके से हम इंग्लिश में बोलते हैं इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं नहीं आ सकूंगा, आपको कहीं जाना है और बताना तो नहीं आ सकूंगा, तो हम इंग्लिश में से कहते हैं आई वॉन्ट बी एबल टू कम, आई वॉन्ट बी टू कम। आप जो चाहते हैं वह मैं नहीं कर सकूंगा। यदि कोई भी व्यक्ति आपको ऐसा कुछ काम दिया है और जैसा वो चाहता है वैसे आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इसे इंग्लिश में मना करने का तरीका है आई वॉन्ट बी एबल टू डू एस यू विश, आई वॉन्ट बी एबल टू डू एस यू विश, मैं आना नहीं चाहता। आपको कहीं नहीं जाना है या आपकी इच्छा है कि मैं वहां ना जाऊं, तो मैं आता इसके लिए कह सकते हैं आई डोंट वॉन्ट टू कम, आई डोंट वॉन्ट टू कम, मुझे अफसोस है लेकिन मुझे इंकार करना पड़ेगा। यदि कोई व्यक्ति आपको कोई काम दिया है और आपको को बुरा लग रहा है कि उसका काम मैं नहीं कर पा रहा हूँ और आपको मना भी करना है, तो आप इस तरीके से कह सकते हैं आई एम सॉरी टू रिफ्यूज, आई एम सॉरी टू रिफ्यूज। वे इससे सहमत नहीं होंगे। आपको पॉसिबिलिटी लगती है कि जो व्यक्ति है वह ये जो हमारा जो भी काम है वैसे सहमत नहीं होंगे, या फिर हमारी जो आइडिया है इससे वे सहमत नहीं होंगे, तो हम इसे कहते हैं दे वॉन्ट एग्री टू दिस, दे वॉन्ट एग्री टू दिस, वे इससे सहमत नहीं होंगे, यह संभव नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल या इम्पॉसिबल। आप दोनों में से कोई एक भी यूज कर सकते हैं। इम्पॉसिबल इसका मतलब भी है यह संभव नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल इसका मतलब भी है यह संभव नहीं है। वह मेरे विचार से सहमत नहीं है ना, आप पूछ रहे हैं कि आपने जो विचार दिया है उससे वह सहमत नहीं है। जैसे इंग्लिश में कहेंगे यू डोंट एग्री विथ मी डू यू, आप मेरे विचार से सहमत नहीं है ना, यू डोंट एग्री विथ मी डू यू, इसका प्रबंध नहीं हो सकता। कोई भी काम है या मैनेजमेंट है जिसका प्रबंध नहीं हो सकता अर्जेंट या इसी समय पे, तो आप इसे कह सकते हैं इट्स कांट बी अरेंज्ड, इट कांट बी अरेंज्ड, इसका प्रबंध नहीं हो सकता, उसे यह पसंद नहीं है। किसी भी व्यक्ति का आपकी पसंद नापसंद पता है, और ऐसा सब कोई भी चीज है या खाने का कुछ भी, तो आपको पता है कि ये उसे पसंद नहीं है, तो उसे कहने का तरीका है इंग्लिश में सी डजंट लाइक इट या सी डज नॉट लाइक इट, उसे यह पसंद नहीं है, सी डज नॉट लाइक इट, सी डजंट लाइक इट, अफसोस है मैं यह प्रस्ताव मंजूर नहीं कर सकता। आपके पास कोई प्रस्ताव है, मान लीजिए कुछ प्रेजेंटेशन का और कुछ बनाने का, पर आप नहीं बना पा रहे हैं, और उसमें आपको मना करने का एक अच्छा तरीका है, इसे कहते हैं मुझे अफसोस है मैं यह प्रस्ताव मंजूर नहीं कर सकता। तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे आई रिग्रेट, आई कांट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, आई रिग्रेट, मुझे अफसोस है आई कांट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, लेकिन मैं आपके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता।